today I'm going to share with you another principle of wealth creation, and that is networking. See, I'm telling you honestly, this is a principle jisne meri bahut zyada madad kari to expand my business and actually to create wealth. See, networking kya hoti hai aur kyun zaruri hai? Sabse pehle aaj hum ye samajhte hain. Bachpan se hame ye sikhaya jata hai, ajnabiyon se baat mat karo, dur raho unse. अजनबी इंसान मिले उससे भाग जाओ, वापस आ जाओ. बट एक्चुअली मैं रियल लाइफ में ये काम नहीं करता. बचपन से हमारे माँ बाप हमें सिखाते हैं कि अजनबियों से बात मत करो, और बड़े होते होते भी हमारे अंदर ये चीज रहती है कि अगर कोई अजनबी इंसान उससे मैं क्यों बात करूं, भाई मेरे को क्यों बात करनी. अगर आपको पैसे कमाने तो ये नहीं चलेगा. किसी भी आप बड़े इंसान से पूछिए कि आज आपको जो ज्यादातर बिजनेस मिलता है वो कैसे मिलता है, वो बोलेगा लिंक से मिलता है. एक परचून के दुकान वाला भी ना सुबह से शाम तक, भाभी जी आपके घर में सब कैसे हैं, अच्छा अच्छा बेटा स्कूल गया, हाँ जी भैया बिजनेस कैसे चल रहा है, ये सब बातें कर करके भी ना लाखों की सेल कर देता है. नेटवर्किंग बहुत जरूरी है, लोगों से कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है. अगर आपको बिजनेस करना है, आपको पैसा कमाना है, या फिर इवन जॉब में भी आगे बढ़ना है, आपको लिंक्स चाहिए. ये लिंक्स ही तो हैं जो आपकी मदद करेंगे. सो टुडे यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको नेटवर्किंग शुरू करनी पड़ेगी. सो नंबर वन थिंग, आपको क्या करना है, आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं. आप किसी फंक्शन में जाते हैं, आप किसी इवेंट में जाते हैं, आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं. वहां पे एक ऐसा इंसान होता है जो आपको बहुत पसंद आता है, उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, वो इंसान बहुत सक्सेसफुल है, बट अंदर से हिम्मत नहीं होती कि मैं उससे आगे बात करूं. करो, आपको उस इंसान के साथ नेटवर्किंग करनी है जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है. व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, आई एम टेलिंग यू, आगे फर्दर समझाता हूं. आप उस इंसान से बात करोगे, आप उसके नेटवर्क में आओगे, हो सकता है वो आपको बहुत अच्छा मित्र बन जाए, बहुत अच्छा दोस्त बन जाए. उसके बाद आप जब दूसरी बार मुलाकात करेंगे तो वो भी आपको अपने किसी तीसरे फ्रेंड से मिलवाएगा. अगली बार बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उसके लिंक में होंगे, जो उसके लेवल पे होंगे, जो सब सक्सेसफुल होंगे. आप उस सर्कल में एंटर करोगे एंड आपको पता भी नहीं लगेगा, आपकी एवरेज मिल जाएगी. जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, यू द एवरेज ऑफ फाइव पीपल यू स्पेंड योर टाइम विद. एक ऐसा इंसान है जो बचपन से ऐसे सराउंडिंग में रहा है जहां पे लोग सक्सेसफुल नहीं होते, क्या वो होगा? नहीं होगा. और एक ऐसा इंसान है जो ऐसे सराउंडिंग में रहा है जहां पे लोग आगे बढ़ने की, कामयाब होने की बातें कर रहे हैं, वो इंसान भी कामयाब बन जाएगा. आपने देखा होगा एक ऐसा इंसान जिसका सर्कल चेंज हो जाता है, वो ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर देता है जो उससे हैसियत में बहुत ऊपर थे, कुछ टाइम के अंदर उसकी हैसियत भी बदल जाती है. क्यों बदलती है? वहां पे भी एवरेज का खेल है. हम अगले चैप्टर में माइंडसेट के ऊपर बात करने वाले हैं, बट अभी मैं आपको ये बताने वाला हूं कि सबसे पहले आपको नेटवर्किंग करना शुरू करना है, क्योंकि ये आपको बिजनेस करने में मदद करेगा. बिजनेस इज ऑल अबाउट नेटवर्क्स. जितने ज्यादा लोग, जितने ज्यादा कनेक्शन, उतना ज्यादा पैसा. जितने लोग आपसे कनेक्टेड होंगे उतना ज्यादा पैसा कमाएंगे. आपने देखा होगा लोग बहुत सारे बिजनेस शुरू करते हैं, कुछ लोग मार्केटिंग बिजनेस शुरू करते हैं, लिंक्स होते हैं तो बहुत जल्दी पैसा आ जाता है, लिंक्स नहीं होते तो उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है. बनाने तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे. अगर व्यापार करना है तो बिजनेस में आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा. सो यू नीड टू क्रिएट नेटवर्क. आपको नेटवर्क बनाना शुरू करना है. इस नेटवर्क से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है. बिजनेस इज ऑल अबाउट नेटवर्क एंड पीपल. कौन खरीदेगा? लोग खरीदेंगे. कौन पैसे देगा? लोग पैसे देंगे. कौन आपको आगे रिकमेंड करेगा? लोग. अगर आपका आपको ऐसा लगता है कि मेरे बिजनेस बहुत आगे बढ़ सकता है, मेरा बिजनेस बहुत आगे बढ़ सकता है और मुझे कुछ इसमें पैसे की इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? लोग करेंगे. अगर आपके पास लोग ही नहीं है तो कैसे होगा? लेट से यू आर इन अ जॉब, आपको आगे बढ़ना है, बट आपके कनेक्शन ही नहीं है, आपकी बातचीत नहीं, आपकी नेटवर्किंग नहीं है, आपके अपने ऑफिस में नेटवर्किंग नहीं है. आपका सिर्फ इतना मतलब है मैं जाऊंगा बहुत अच्छे से काम करूंगा घर आ जाऊंगा. कब तक? बहुत ज्यादा टाइम तक ऐसा नहीं चलेगा. अगर वो जॉब गई तो नई जॉब कैसे मिलेगी? फिर आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा, किसी ना किसी से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा. तो अभी से करके रखो ना. आप जब इतने सारे लोगों से मिलते हो, रोज आप नए लोगों से मिलते हो, और अगर कुछ लोग अच्छे लगते हैं तो उनका नंबर सेव कर लो. मेरे फोन में 10,000 से ऊपर कॉन्टैक्ट्स होंगे, मिनिमम 10,000 कॉन्टैक्ट्स होंगे मेरे फोन में, मुझे पता है, क्योंकि स्टार्टिंग से मैं नंबर सेव करता जा रहा हूं. और आज उनमें से कई सारे लोगों को मैं पर्सनली जानता हूं. 10,000 लोगों को अगर मैं किसी भी चीज के लिए उन्हें बताऊंगा तो वो मेरे साथ कनेक्टेड है आज. पीपल गिव्स यू पावर अगेन. व्हाटएवर यू वांट, आपको पैसा चाहिए, लोगों से आएगा.
लोगों से ही आता है, ये आपको यहाँ पे कंसेप्ट बिठाना है कि लोगों से आएगा, मुझे बात करना शुरू करना है, मुझे लोगों से कनेक्शन बनाने शुरू करने हैं। जरूर नहीं है कि एक ही कनेक्शन आपको वहां तक ले जाएगा जो आप करने वाले हैं। कभी कभी लोग ऐसे बिजनेस शुरू करते हैं जो उन्होंने कभी नहीं करे, क्यों? क्योंकि किसी ऐसे पर्सन से मिलते हैं जो बताता है हाँ ये बहुत अच्छी चीज है, इसे करते हैं। आपको दुनिया की सारी चीजें नहीं पता हो सकती, बट किसी ना किसी को कुछ ना कुछ जरूर पता होगा। वो आपकी इंसान कभी ना कभी मदद भी करेगा, बट कैसे? आपने तो नेटवर्क ही नहीं बनाया। नेटवर्क बनाना शुरू करो। ये जो बिलीफ सिस्टम है ना, देखो मैं हर रोज एक आपको नया बिलीफ सिस्टम देता हूँ। आज मैं आपको बिलीफ सिस्टम में दे रहा हूँ जो आपके माँ बाप ने हमेशा से सिखाया कि अजनबियों से बात मत करो, वो तोड़ दो आज, शुरू करो। लोग बहुत अच्छे होते हैं, बट आप सिर्फ उन्हें जानते नहीं हैं। आप अपने सर्कल के अगर लोगों को जानते हैं, नो, एक्सपैंड योर नेटवर्क मैन। जितना बड़ा नेटवर्क आप उतने बड़े इंसान बनेंगे। नेटवर्क बढ़ाओ, कनेक्शंस बढ़ाओ, लोगों तक रीच पहुंचाओ। अब आपको मैं एक कंसेप्ट देने वाला हूं, जैसे हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। ये जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, ये क्या होता है? मेरा अपना जो लिंक है, लेट से 200 लोगों तक है, बट मेरी मुलाकात आपसे हुई, मेरी फ्रेंडशिप आपसे हुई, आपका भी 200 सर्कल तक लिंक है, 200 लोगों तक आपका एक सर्कल है। मेरा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पहले सिर्फ 200 लोगों का था, बट अगर मैं आपसे कनेक्ट हो गया तो मेरा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस 400 लोगों का हो गया। और अगर मैं 10,000 लोगों से कनेक्टेड हूं तो 10,000 इंटू 200, 10,000 इंटू 200 कितना हो गया? 20 लाख लोग हो गए। 20 लाख लोगों तक रीच। अगर आज मुझे अपना कोई मैसेज पहुंचाना है, 20 लाख लोगों तक मैं पहुंचा सकता हूं बाय बीइंग कनेक्टेड विद 10,000 पीपल। बट इन 10,000 लोगों से एक दिन में कनेक्ट नहीं हुआ जा सकता। इन 10,000 लोगों से कनेक्शन बनाने के लिए कई साल लगते हैं। आपको भी बनाना है। अगर आज मैं कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करता हूं और मुझे अपनी रीच पहुंचानी है, तो मैं क्या करूंगा? मैं अपने 10,000 लोगों तक कॉन्टैक्ट करूंगा, उनके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को भी बोलूंगा कि साथ में कनेक्ट हो। 20 लाख लोग कनेक्ट हो गए। उनमें से अगर मैं कहता हूं 10,000 में से भी नहीं, सिर्फ 2,000 लोग मेरे प्रोडक्ट को बाय कर लेते हैं, तो मेरा बिजनेस तो शुरू हो गया। कैसे शुरू करोगे आप एक बहुत बड़ा बिजनेस? कैसे शुरू करोगे आप पैसे कमाने का सिलसिला? नेटवर्क चाहिए, लिंक्स चाहिए। सो आज से आपको अपने दिमाग में बिठाना है कि मुझे नेटवर्किंग करनी है, मुझे लोगों को अपने साथ जोड़कर रखना है। आपको अल्टीमेटली नेटवर्क बनाने से लॉन्ग टर्म फायदा होगा। इट इज योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आज एक इंसान से लिंक बना रहे हो, आपको नहीं पता कौन कब कहां काम आ जाएगा, बट वहां पे लिंक्स होने चाहिए। आप जहां जाओ आपके वहां पे लिंक्स होने चाहिए। मैं कभी कभी क्या करता हूं, अगर कोई इंसान एक स्पेसिफिक एरिया का है तो उस इंसान के नाम के आगे वो एरिया का नाम लिख लेता हूं। अब होता क्या, अगर मैं कभी उस एरिया में गया और मेरे पास वक्त है तो मैं वहां पे सर्च करके उन लोगों से मिल सकता हूं। मैं कभी ना कभी कनेक्ट हुआ था। पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। जब हम दोबारा ऐसे लोगों से मिलते हैं, ऐसी मैं अगर कनेक्शंस बनाता हूं तो मैं अच्छे लोगों से बनाता हूं। आपको भी कनेक्शन अच्छे लोगों से बनाना है। अब यहां पे नेटवर्किंग में ध्यान रखना है कि जो बुरे लोग हैं, जो आपको अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ऐसे लोग जो आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे, उनसे दूर भागना है। अगर कोई इंसान आपको गलत संगति में लेके जा रहा है तो यह समझ लो वो इंसान एक्चुअली राहु केतु है। जो राहु केतु कहते हैं ना, नवग्रह हमारे, वो हमारे ग्रह खराब हो रहे हैं। अरे ग्रह कौन होते हैं? लोग ही होते हैं। लोग ही खराब कर रहे हैं, उन लोगों से दूर भागना है। वो ग्रह लोगों के रूप में प्रकट हो गए आपके सामने। अगर एक इंसान आपको गलत राह पे लेके जा रहा है तो समझ लो भाई ये राहु केतु है, इनसे दूर भागना है। कहां रहना है? ऐसे लोगों के साथ रहना है जो आगे लेके जा रहे हैं, जो आपको एक ऐसा माइंडसेट दे रहे हैं, जो आगे बढ़ने का माइंडसेट दे रहे हैं, जो आपको बेसिकली कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड कर रहे हैं और आपको उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करना है। सो आप एक ऐसा कनेक्शन बनाओ जिससे आप एक दूसरे के काम आ पाओ, म्यूचुअल बेनिफिट हो। और जब बहुत सारे लोगों से आपका कनेक्शन बन जाएगा, आपको समझ आएगा यस यू आर क्रिएटिंग वेल्थ। वेल्थ का एक एस्पेक्ट ये भी होता है कि लोग कितने जुड़े हुए हैं आपके साथ। लोगों को अपने साथ जोड़कर रखो। एवरी सिंगल टाइम कनेक्ट विद पीपल। ब्रेक द माइंड सेट की स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी। Go and talk to people. Build your relationships. They'll help you.
एंड यू विल रिमेंबर दिस इफ यू विल अप्लाई एवरीथिंग. ऑब्वियसली बहुत कुछ लाइफ में बदलने वाला है, करके तो देखो. मुझे नेटवर्किंग ने बहुत हेल्प की है. मैंने बहुत सारे काम करे और हर काम में मैंने लोगों को अपने साथ जोड़ के रखा है. आज लोग जुड़े हुए हैं तो फायदे हो रहे हैं. तो अगर लोग आपके साथ नहीं जुड़े तो जोड़ कर रखो, कनेक्शंस बनाओ, बिल्ड स्ट्रांग रिलेशनशिप्स, नेटवर्किंग करो, लोगों को अपने साथ बांध कर रखो. अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो कम से कम मुझे जोड़ कर रखो, सब्सक्राइब करो आप इस चैनल को, एंड अल्टीमेटली व्हाटएवर यू लर्न प्लीज अप्लाई. फॉर दैट सिंगल रीजन आई एम क्रिएटिंग दीज काइंड ऑफ वीडियोस जस्ट फॉर यू. सो व्हाट यू डू, यू अप्लाई एवरीथिंग एंड गो सेल्फ मेड. And I will see you in the next video tomorrow morning, 6 a.m.